हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है क्रश इट, जिसे गैरी वेनरचक ने लिखा है। गैरी एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने 4 कमाल की सक्सेसफुल बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं। साथ साथ वो वेनर मीडिया के को फाउंडर और CEO भी हैं। वो एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं और उनकी पब्लिक स्पीकिंग की बहुत डिमांड है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग की हिस्ट्री के साथ उनका ध्यान इंटरनेट, सोशल मीडिया और हमेशा बदलते हुए डिजिटल वर्ल्ड पर है। क्या आपकी कोई हॉबी है जो आप चाहते हैं कि आप पूरे दिन कर सकें? कोई ऑब्सेशन जो आपको रात को जगाए रखता है? तो अब परफेक्ट टाइम है उन पैशंस को लेकर, आप जिससे प्यार करते हैं उसे करते हुए पैसा कमाने का, अपने पैशन को कैश करने का। ये परफेक्ट टाइम है। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी असली हॉबीज को असली बिजनेस में बदल सकते हैं। ये किताब उन सब के लिए बेहतरीन किताब है जिनका कोई पैशन है और वो अपने पैशन को ही अपना काम बनाना चाहते हैं। इस किताब में आपके सपनों को सच बनाने की बातें की गई हैं और ये पॉसिबल है कि आप सुबह उठें और वो करें जिससे आपको प्यार है। ये किताब उनकी बहुत मदद कर सकती है जो इंटरनेट का एक प्लेटफॉर्म की तरह पूरा फायदा लेना चाहते हैं, एक बिजनेस को खड़ा करने और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से सीखेंगे कि कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं और कैसे अपने पैशन को अपना करियर बनाएं। तो चलिए फिर इन स्टेप्स को शुरू करते हैं। पैशन एंड सक्सेस, यहां 3 गोल्डन रूल्स हैं। अपने परिवार को प्यार करें, बहुत मेहनत करें, अपने पैशन को जिए। बात सिर्फ पैसे और बिजनेस के साइज की नहीं है, सच्ची सफलता खुशी से आती है। आप जो करते हैं अगर आप उससे प्यार नहीं करते हैं तो आप भी सिर्फ एक फॉलोअर, वर्कर या बिजनेस की दुनिया में आम आदमी हैं। आपको वो ढूंढना है जिसके लिए आप पैशनेट हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए आप जीना और सांस लेना चाहते हैं, वो चीज जो आपको सुबह बिस्तर से कूद कर उठा सकती है, जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है और आपको सफलता की गारंटी देती है। इंटरनेट ने ये हर किसी के लिए पॉसिबल बनाया है कि वो खुद से 100% सच्चे हो सकें और जिससे वो प्यार करते हैं उसे पर्सनल ब्रांड बनाकर अच्छा पैसा बना सकें। पर्सनल ब्रांड, आपका पर्सनल ब्रांड आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। बिना एक क्रिएटिव और आकर्षक पर्सनल ब्रांड के आप अपना पैशन और पैसा बनाना शुरू नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स आपको जानें। आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो आपको भीड़ से अलग करे, उनसे भी जो एक जैसा प्रोडक्ट, सर्विसेज या कंटेंट बेच रहे हैं। आपको अपने पर्सनल ब्रांड का इस्तेमाल करना है जिसके लिए आपके कस्टमर ज्यादा के लिए वापस आते रहें। आपको ये पता लगाना है कि आप खुद मार्केट तक कैसे जा रहे हैं। आपको अपने बारे में सोचना है। जो लोग शर्मीले और बंधे हुए हैं वो वीडियो और पॉडकास्ट पे शायद ना पाएं, पर वो अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं। पता लगाएं कि आपको सबसे अच्छा क्या सूट करता है। क्रिएट ग्रेट कंटेंट, वो लोग जो इंटरनेट के सभी शोर और डिस्ट्रैक्शन से घबराते हैं वो रिलैक्स कर सकते हैं। क्वालिटी एक बहुत बड़ा फिल्टर है। आप चाहे कितने भी कप कॉफी डालें, क्रीम हमेशा ऊपर आ जाती है। उन चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अगर आप अपने पैशन के बारे में बात करते हैं तो आप भरोसेमंद होंगे और लोग आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। 2 जरूरी चीजें हैं जो आपके पर्सनल ब्रांड का इस्तेमाल करके सोशल मार्केटिंग वर्ल्ड में एक बिजनेस बनाती हैं, वो है प्रोडक्ट और कंटेंट। एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा। कंटेंट, कंटेंट वो है जो आप सोशल मीडिया की मदद से दुनिया को देते हैं। आपको सोशल मीडिया पर अपने पैशन के बारे में बात करनी चाहिए और ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जिनका आपके जैसा पैशन हो। कहानियां एक बेहतरीन जरिया है अपने कंटेंट को पहुंचाने का। भरोसेमंद और मजेदार कहानी सुनाएं। खुद से पूछिए कि क्या मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, हॉकी या कुछ और भी, इनमें से मेरा सबसे बड़ा पैशन क्या है और क्या मैं इस सब्जेक्ट का सबसे अच्छा ब्लॉगर बन सकता हूँ? दोनों का जवाब हाँ होना चाहिए। जिस स्केल पर आप अपने पैशन से कमाना शुरू कर सकते हैं उस पर बहुत सी चीजों का असर पड़ता है। आपकी मार्केट, आपकी जगह का साइज, सबसे जरूरी क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। खुद को जाने, सही माध्यम चुने, सही टॉपिक चुने, कमाल का कंटेंट बनाएं और आप खुश रहकर बहुत सा पैसा बना सकते हैं। चूज योर प्लेटफॉर्म, असल में ऑथर को ट्विटर के लिए बहुत खास पैशन है। अगर आपको कोई रीट्वीट करता है तो वो दुनिया को एक मैसेज भेज रहा है कि उनको लगता है कि आप ध्यान देने लायक हैं। आज तक का सबसे अच्छा बिजनेस ट्वीट है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप रेस्पॉन्स देखकर हैरान हो जाएंगे। आप अपनी कम्युनिटी की सेवा करने के बिजनेस में हैं, ये कभी मत भूलिए। बी रियल, खुद को ऑनलाइन दिखाने के लिए 3 की वैल्यूज जरूरी हैं। ऑथेंटिसिटी, इसका मतलब है कि आप कोई भी फैसला लें या जो भी सोशल मीडिया पर डालें उसमें आपके बिजनेस की झलक और सच्चाई होनी चाहिए। हसल, अगर आप लंबे वक्त तक दूसरों से ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। पेशेंस, इसमें वक्त लगेगा, सबर करें, ये रातों रात नहीं होगा। आपको अपना पैशन जीना होगा,
एक बिजनेस को स्प्रिंट की तरह नहीं मैराथन की तरह बनाने की सोचें। आप जो भी करें उससे प्यार करें, यही तरीका है जिससे आप उसे करते चले जाएंगे। अगर आप फेल भी होते हैं तो भी आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आप वही कर रहे थे जिससे आपको प्यार था। क्रिएट कम्युनिटी। रियल बनने का हिस्सा है एक कम्युनिटी बनाना जो आपको सहारा दे। एक कम्युनिटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसी में आपकी सबसे ज्यादा मेहनत और वक्त लगेगा, और इसी से आपकी सबसे ज्यादा सफलता बनेगी। अपनी कम्युनिटी बनाने के कुछ तरीके। दूसरे लोगों के ब्लॉग्स पर कमेंट करें, जो लोग आपको रिप्लाई करें वापस कमेंट करें, बातचीत होने दें। जब भी आप अपने कंटेंट से वापस जुड़ पाएं जुड़ें। क्वालिटी से भरपूर बातचीत करें, रिलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट रखें। कन्वर्सेशन और कम्युनिटी की क्वालिटी ही है जो मायने रखती है, ना कि सिर्फ नंबर्स। मोर देन जस्ट मनी। आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, ना कि पैसों को। यही लोग बार बार मात खाते हैं। ध्यान रहे कि आप जो भी करें उससे प्यार करें, फिर खुद से पूछें कि क्या ये आपके लिए पैसा बनाएगा, और सबसे जरूरी कि आप जिस तरीके से पैसा बनाएंगे उससे आपको गर्व होगा। ये समझना भी जरूरी है कि इंटरनेट माफ नहीं करता है। आप जो भी सोशल मीडिया या इंटरनेट पर पोस्ट करेंगे एक तरह से वो डायरेक्टली पब्लिक तक जाएगा। खुद की जांच करें, जब भी लोगों से इंटरेक्ट करें हमेशा ख्याल रखें। आप नहीं जानते वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। आपके इरादे अच्छे हो सकते हैं, पर गलत समझ लेना बहुत आसान है। जब बड़े बिजनेस के फैसले ले रहे हों हमेशा इसे ठीक से सोचें। कभी जल्दबाजी में फैसला ना लें जिनका आपको पछतावा हो। हमेशा बड़ी पिक्चर को देखें। गैरी कहते हैं अगर आप इससे कोई मैसेज लेना चाहते हैं तो वह है असली फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल सफलता। और इन सबसे ऊपर अपने परिवार को प्यार करें, कड़ी मेहनत करें और अपने पैशन को जिएं। गैरी स्टेप्स टू बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। आपका पैशन क्या है इसका पता लगाएं। अच्छा खासा ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट कंटेंट तैयार रखें। लगभग 50 टॉपिक्स तैयार रखें। ध्यान रहे कि आप अपने पैशन के बारे में हर किसी से बेहतर बात कर सकें। आपको अपने पर्सनल ब्रांड को नाम देने की जरूरत है, चाहे अपने नाम को ब्रॉडकास्ट करें या नहीं। अपना डोमेन नेम खरीदें। डिसाइड करें कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप बेस्ट हैं, वीडियो, ऑडियो या रिटन वर्ड्स। एक ब्लॉग स्टार्ट करें। डिजाइन में किसी की मदद लें। ये ऐसी जगह हो जहां लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और अपने साथ बिजनेस करने के लिए आपको इन्वाइट कर सकें। एक फेसबुक फैन पेज बनाएं। किन प्लेटफॉर्म पर आप अपना कंटेंट ब्रॉडकास्ट करेंगे ये चुनें। हमेशा ट्विटर और फेसबुक को चुनें, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत पोस्ट करें। कम्युनिटी बिल्ड करने पर काम करें। ब्लॉग्स पर कमेंट करें, फोरम्स में हिस्सा लें। ट्विटर पर आपके टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए यूजर्स को ढूंढें, उन तक पहुंचें और बातचीत शुरू करें। इसी तरह अपने टॉपिक जैसे ब्लॉग्स ढूंढें और कम्युनिटी बनाएं। सभी रिलेवेंट फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स को ढूंढें और सबको ज्वाइन करें। एक बार आपकी कम्युनिटी बन गई और आपका पर्सनल ब्रांड लोगों तक पहुंच रहा है तो एडवर्टाइजर तक पहुंचें ताकि पैसा बनाना शुरू कर सकें। इस सफर का मजा लें। तो दोस्तों, आपको किसी चीज को बिजनेस में बदलने के लिए उसके लिए सच में पैशनेट होना होगा। अपने पैशन को पहचानें। डिसाइड करें कि आपका कंटेंट क्या होगा। डिसाइड करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। जो लोग आप जैसा पैशन रखते हैं उन तक पहुंचकर अपनी कम्युनिटी बनाएं। क्वालिटी बातचीत करें और रिलेवेंट टॉपिक्स बनाएं। जब तक आप एनफ लोगों तक ना पहुंच जाएं तब तक लगे रहें। तब आप अपने कंटेंट को पैसे में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अपने पैशन के लिए जीने और सांस लेने की चाहत रखें। आपको इसे बिजनेस में बदलने के लिए बहुत वक्त और कड़ी मेहनत देनी होगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप बहुत सी चीजें सोशल मीडिया की और इंटरनेट वर्ल्ड की आप समझ पाए होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। और अगर आप हमसे कोलैबोरेट या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।